इसके बाद आपको समय नहीं लगेगा। आज इसलिए समय लगेगा क्योंकि आपके एक कार्ड बन जाएगा, वो कार्ड अपने आप संभाल के रखना, हर महीने वो कार्ड को देखकर हम आपको दे देंगे। तो केवल आज पहली बार समय लगेगा, अगली बार से आप लोगों को समय नहीं लगेगा। आपके गांव में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी आपकी 12-13 साल से ऊपर बच्चियां हैं, उन सबको आप यहां बुला लो। हम लोग आराम से यहां 2-3 बजे तक बैठे हैं, काम करते रहेंगे, जो मतलब गांव का कोई छूट नहीं जाए। जब तक गांव के कोने में कोई भी महिला या बच्ची हो उसको बुला लो, आप अपना काम करके सारी चीज़ें आराम से ले सकते हैं। सबको पैड एक साथ ही देंगे, बस पहले कार्ड बनाना जरूरी है। एक एक करके पैड देंगे तो हम लोगों को बांटने में दिक्कत होती, कार्ड बनाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि तसल्ली रखना, थोड़ा सा सबको मिलेगा, कोई बिना पैड के नहीं। एक चीज़ बताओ, आप लोगों के पास ये एक पैकेट है, सभी जानते हैं ये इस उपयोग क्यों करते हैं। आपके गांव में से कितने लोग हैं जो इसका उपयोग नहीं करते हैं? कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। आपके गांव में कोई ऐसी दुकान है जहां मिलता है पैकेट? कोई भी दुकान नहीं है, ठीक है। तो सारे लोग मेरे ख्याल से कपड़े का उपयोग करते हैं, गंदे कपड़े का उपयोग करते हैं, और उस कपड़े को हम अपने साड़ी के नीचे या पेटीकोट या ब्लाउज के नीचे सुखाते हैं। सबसे पहले आप मुझे अपने घर का एक छोटा बच्चा समझिए, मैं भी आपके बच्चे के जैसा हूँ। जैसी ये अम्मा बैठी है वैसी मेरी भी एक अम्मा है, ऐसी एक दीदी है मेरी, मेरी पत्नी है, सब लोग हैं। मुझे भी लगता है कि उनको एक ऐसे पैड का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा है। अगर हम गंदे कपड़े का उपयोग करेंगे तो कितनी सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, बहुत सारी। हम कपड़े का उपयोग करते हैं, हम उसमें कई बार राख भर के भी उपयोग करते हैं ताकि वो खून को सोख ले और हमें वहाँ पर चिपचिपाहट ना हो, इसीलिए करते हैं। आपको अब कपड़े का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि आप कपड़े का उपयोग करेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। खुजली होती है, कई बार तो महिलाएँ बांझ का भी शिकार हो जाती हैं, उनको बच्चे पैदा नहीं होते। आपको हम हर महीने ये पैकेट देंगे, इसमें आपके देखो ऐसे 6 पीस निकलेंगे, आपके ये 6 पीस निकलेंगे, ये आपको इसका उपयोग करना है। आपको फ्री में हम ये देंगे, आपका एक ऐसा कार्ड बन जाएगा, ये वाला कार्ड, इसके पीछे महीने लिखे हैं। हर महीने को जो पहला रविवार होगा, आज इस गांव में शुरुआत कर रहे हैं इसलिए इस दिन आए हैं, हर महीने में जो पहला रविवार होगा उस रविवार को आएंगे, इतना समय नहीं लगेगा। इस कार्ड के ऊपर जो महीने लिखे हैं उनके ऊपर हम टिक लगाते जाएंगे और आपको एक पैकेट देते जाएंगे। इसके अंदर 6 पीस हैं आपके, आपके एक बार के महीने के लिए पर्याप्त हैं। फिर कह रहा हूँ आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल से फ्री है आपको, ये कोई सरकारी नहीं है, ये एक संस्था है, महादेव समर्पण सेवा संस्था, जो ये काम कर रही है आपको जागरूक करने के लिए। आपको ये पैकेट हम 8-9 महीने फ्री में देंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन 9 महीने के बाद आपको 9 महीने में सीखना है, आपके घर में जो भी बिटिया हो, आपके पड़ोस में जो भी बिटिया हो, आपकी बहू हो, उनको ये उपयोग करना सिखाना है। उसके बाद आपको खुद खरीदना है 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, लेकिन आपको सीखना है बस इसको कैसे भी उपयोग करना है। कोई भी अब कपड़े का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पक्का तो कोई कपड़े का उपयोग नहीं करेगा। आपको कोई झिझक नहीं रखना है कि घर में इसको छिपा के कहाँ रखें। देखो सबके पति होते हैं, पति समझते हैं, महीना आता है इसलिए इसका उपयोग होता है। घर में भाई होता है, पिता होता है, उसको भी पता होता है कि महिला को या बिटिया को महीना आता है तो इसकी जरूरत पड़ती है। इसको कोई भी फेंकना नहीं। अभी हम आएंगे, बीच में एक मटका रख देंगे, उसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे, गांव के साइड में रख देंगे। आप कोशिश करना कि इसको मोड़ के ऐसा कहीं भी इधर उधर ना फेंके, इसको मोड़ के आप उस मटके में डाल देना, आगे हम उसको खत्म कर देंगे, उसमें आग लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी इधर उधर नहीं फेंकना, क्योंकि आप इधर उधर फेंकेंगी उससे क्या होगा, अगर कोई कुत्ता है या बिल्ली कोई जानवर आके आपके घर में आ गया तो उससे बीमारियां लग सकती हैं। चलो जानवर नहीं आया, आपके घर का कोई छोटा बच्चा ही उसको उठा लाया धोखे से, तो पर क्या करेंगे आप, तो उससे नुकसान आपका ही है। तो आपको करना क्या है कि इसका उपयोग करना है। उपयोग कैसे करना है, वो दीदी खड़ी है यहाँ भी आ रही है, दीदी आपको अकेले में जाके वहाँ खड़े होके आपको बता देगी कि इसको लगाते कैसे हैं, कैसे उपयोग करते हैं। आपको जो भी समस्या रहे दीदी आपको पूछेगी। फिर आपके अगले महीने के बीच में आएंगे, एक कैंप लगाएंगे, डॉक्टर को लेकर आएंगे, वो सबका चेकअप कर लेगा किसी को कोई समस्या तो नहीं,
समस्या है तो दवाई थोड़ा तेज इनका टिक कर दिया ना पीछे सर, अभी कर रही हूं। अभी जाना मत। अभी पीछे टिक करा लो फिर चले जाना आप लोग है ना। इधर अपने पीछे दो, अपने पीछे